नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज 360.com। 15 नवंबर 2000 को बिहार से विभाजित होकर झारखंड नाम का राज्य की स्थापना हुई। इस राज्य की बात अगर हम करें तो ये राज्य का गठन जो किया गया वो कई मायनों से अहम था। आदिवासी उत्थान और झारखंड के विकास के लिए ये राज्य का गठन किया गया। गठन किया गया इस राज्य का इसलिए कि जनता का विकास हो। नए राज्य की स्थापना हिंदुस्तान में बहुत आम बात है। इससे प्रशासनिक सुधार और वहाँ के निवासियों के उत्थान के लिए, विकास के लिए बहुत ही खास और बहुत अहम भी माना जाता है। लेकिन बीते 17 वर्ष के बाद अगर हम आज जमीनी स्तर पर अगर हम विश्लेषण करें झारखंड राज्य की, तो बहुत दयनीय स्थिति है। पहले तो बंटवारा जब हुआ तो राजनीति, जो अस्थिर राजनीति है वहाँ की, वहाँ वर्ग को, वहाँ समाज को दो भागों में बांट दिया गया। एक आदिवासी समाज में, एक गैर आदिवासी समाज में। झारखंड में प्रकृति ने ढेर सारे उपहार दिए हैं, चाहे वो जंगल के रूप में, पहाड़ के रूप में और वहाँ के खनिज पदार्थों के संसाधन के रूप में। लेकिन इस संसाधन का दोहन विदेशी कंपनी और देशी कंपनियों ने मिलकर किया। जो राजनीतिज्ञ थे, जो वहाँ के शतरंज के राजनीति के खिलाड़ी थे, उन्हें ये करना था कि जो आदिवासी और गैर आदिवासी जो दो धड़ा बढ़ रहा है उन्हें मिलाकर उन्हें संयम बरतना था, उन्हें समझाना था, उन्हें सुविधाएं देनी थी, उन्हें विकास करना था। लेकिन इन राजनीति के खिलाड़ियों ने दोनों धड़ों को लाठियां थमा दी और नतीजा ऐसा हुआ कि राज्य दिन पर दिन गर्त के मुंह में जाता रहा। इसे रोकने वाला कोई न था। लगभग 18 जिलों जहाँ जंगलों में सखुआ, महुआ और पलाश के पौधे लहलहाने चाहिए थे, वृक्षों का एक अलग संगम होना चाहिए था, वहाँ आज स्थिति ये है। कारतूस और बंदूकों की आवाज़ सुनाई देती है, बारूदों की गूंज जो उठती है, जो धुएं उठते हैं, वो हमें बताते हैं कि झारखंड की इस समय जमीनी स्थिति क्या है। कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ कानून दुबका हुआ है, न्याय बंदूकों से होती है। बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों का अभाव, ये सारी जो दिक्कतें हैं वो उभर कर हमें दिखती हैं। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो मिड डे मील योजना के तहत जो खाना मिलता है प्राइमरी स्कूलों में, उसमें लाइन लगाए नंगे भूखे बच्चे थरिया पीटते हुए। अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया की, कौशल विकास जैसी योजनाओं, प्रधानमंत्री की योजनाओं की, तो टूटे फूटे मोबाइल, टिमटिमाती बिजली से जलते बल्ब, ये सारे हमें दिखाते हैं कि यहाँ झारखंड में योजनाओं का क्या असर है। अगर हम आपको बताएं अब उन हिस्सों के बारे में जो जिनका नाम है छोटा नागपुर और संथाल परगना के बारे में, तो लोग यहाँ के पलायन होकर बंगाल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लगातार पलायन होता जा रहा है। राज्य सरकार बिल्कुल नहीं सोच पा रही है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आदिवासी जो लोग हैं और गैर आदिवासी जो लोग हैं, ये जो दोनों समूह हैं, ये रोजगार तो चाहते हैं, वहाँ संसाधन भी है, लेकिन इसे करेगा कौन? भूख तो है इनमें काम करने की, पैसे पाने की, अपने जिम्मेदारियों को निर्वहन करने की, लेकिन देश और विदेश की जो कंपनियां उन्हें लूट रही हैं अपने भूख मिटाने के लिए, वो जमीनी स्तर पर अगर हम आकलन करते हैं, वहां का दृश्य देखते हैं, तो रूह कांप जाती है। खटिया पर लेटा बीमार लाश बनते चला जा रहा है, डॉक्टरों का अभाव है, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर हैं भी तो उनके पास उपचार करने के लिए वो संयंत्र नहीं है, और ये भी अगर उपलब्ध है तो संसाधन नहीं है कि डॉक्टर मरीज तक कैसे पहुंचे। सरकारी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा पारित होती हैं वहां की जनता के लिए, वो पारित तो जरूर होती हैं लेकिन सिर्फ कागजों पर। जनता तक पहुंचते पहुंचते जनता के पीछे खड़े दलालों ने उनको लगातार नोच नोच कर सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू न होने की जैसे कसम खा रखी है। इसके अलावा भी कई ऐसे बातें हैं जो झारखंड में रह रहे आदिवासी और गैर आदिवासी जो जनता है वहाँ की जो दयनीय स्थिति है वो अगर हम करीबी से देखें, तो और भी ऐसी कई अवाक्या हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जब अलग हुआ ये राज्य, सिर्फ इसलिए कि प्रशासनिक सुधार होगा, जनता की जो वहाँ झारखंड के निवासी हैं उनका विकास होगा, आर्थिक सुधार होगा, सामाजिक सुधार होगा, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगी, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हम 17 साल बाद आज हम विश्लेषण कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, तो ये शून्य मिल रहा है।
ये हमें मजबूर करते हैं सरकार की उन नीतियों को कोसने के लिए जो सिर्फ कागजों पर ही काम कर रही है। हालांकि झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम को कप्तान और दीपिका कुमारी के रूप में भारत को एक महान तीरंदाजी का नायक मिला। इन दोनों ने ये साबित किया कि कठिनाइयां चाहे जितनी हो, बेरोजगारी, स्वास्थ्य के लिए अभाव, डॉक्टरों का जो अभाव है, शिक्षा का जो अभाव है, वो चाहे जितने हो, लेकिन प्रतिभा कहीं छिपाए नहीं छिपती। इन दोनों ने ये साबित किया। इन दोनों ने इस पत्थर पर एक ऐसे फूल के रूप में खिले हैं जो अन्य युवाओं की प्रतिभाओं को और सहारा देती हैं, आधार प्रदान करती हैं कि आप आगे बढ़ें। हमारी जो काबिलियत है, हमारी जो सफलता है, वो आपके लिए प्रेरणादायी बनेगी। मैं आखिरी में सिर्फ 3.5 अक्षर का उम्मीद शब्द के साथ विदा लेना चाहूंगा कि उम्मीद है तो सब कुछ है, झारखंड बदलेगा, झारखंड अभी मेरा बनना बाकी है। नमस्कार, आप देखते रहिए newsviews360.com।